हाँ ठीक है, तुम मान लेना, बस यही जाओ माता जी। आपको लेने आएंगे। कौन है आपके? हमारा शोहर। ये कौन है भैया? ये हमारा नंद का लड़का। ये कौन है आपका? ये हमारा दामाद है। वेरी गुड। आप कैसे बिछड़ गई थी इनसे? जय हिंद मित्रों, आप देख रहे हैं रईसा बेगम नाम की माता जी को कैसरबाग पुलिस प्रशासन द्वारा आज के 5 महीने पहले लाया गया था, जिनको काफ़ी हम लोगों उम्मीद संस्था की प्रयास द्वारा काफ़ी जो है हम लोग इधर उधर पता भी लगाए। आज माता जी को परिवार के लोग मिल चुके हैं, जो कि नगीना की रहने वाली, हमको सूचना दी गई। फिर जो है माता जी के घर पे हम लोगों ने पता भिजवाया, तो ये भैया और उनके पति माता जी के जो हैं वो लेने आए हुए हैं। और भैया आपका क्या नाम है? नदीम। अच्छा, ये कौन है आपकी? ये हमारी मामी है। मामी है आपकी? कौन है भैया? मेरी सासू माँ। सासू माँ आपकी? और आपका नाम क्या है सर? नूर अहमद। नूर अहमद। तो हमारे साथ नूर अहमद जी हैं, जिनके धर्म पत्नी हैं, जो कि आज के 5 महीना पहले बिछड़ गई थी, कहीं मानसिक तनाव के कारण जो है ट्रेन में बैठ ली और ये नगीना से लखनऊ पहुँच गई। तो मित्रों, हमारी जो भी आज तक वीडियो आती हैं, आप लोग शेयर किया करें, जिससे पिछड़े हुए परिवार को हम लोग मिला सकें। जय हिंद। तो हमारा जो है हमारे साथ हमारी उम्मीद संस्था के सीनियर हमारे जितेंद्र सर जी जो हैं, जो इंचार्ज हैं सारे जितने हमारे। नमस्कार दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज लखनऊ में कोई कार्यदायी संस्था है तो उम्मीद संस्था है। उम्मीद संस्था का प्रयास यही है कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, यानी कि कोई भी बेसहारा लावारिस बेघर इधर उधर ना भटके, यदि कोई भटकता तो उसको उम्मीद संस्था की टीम द्वारा आश्रय गृह में लाया जाता है एवं उनका पालन पोषण पूरा उम्मीद संस्था द्वारा किया जाता है। मैं पूरी लखनऊ की आवाम से कहना चाहूँगा कि उम्मीद संस्था से जुड़े। जय हिंद। भैया आप कुछ उम्मीद संस्था के बारे में कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी नानी मिल गई हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? सर हमें यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। जी जी, और हमें बहुत आपका बहुत आभारी आप। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब जो है माता जी को भैया लोग लेकर अपने साथ जा रहे हैं नगीना, जहाँ की माता जी हैं। पूरा आप एड्रेस एक बार बता दीजिए नगीना का जो है। नगीना मोहल्ला लोहाईसराय, नगीना डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, मोहल्ला लोहाईसराय जी। बिजनौर है, नगीना शहर है जी, तहसील भी नगीना। अच्छा, थाना क्या लगता है सर आपका? नगीना है। तो दोस्तों हम लोगों ने जी जी काफ़ी प्रयास किया, जिससे आज माता जी मिल गई, हमको भी खुशी हो रही, आप लोगों को भी होगी कि किसी का अगर बिछड़ा हुआ परिवार मिल जाए उससे ज़्यादा खुशी की कोई बात भी नहीं हो सकती। क्योंकि हमने भी ये चचा जी को देखा, बहुत जो है आते ही आते इतना खुश हुए अपने परिवार से मिलकर, तो इससे ज़्यादा बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती।